हेलो दोस्तों, वेलकम टू देव क्लासेस हाउ एंड व्हाई सीरीज के इस अनदर वीडियो में आपको सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्यों फॉर्मूला वन कार या जो लग्जरी कारें आती है मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ऑडी, इनकी हाइट कम क्यों होती है। बिल्कुल एकदम जमीन से चिपक के चलती हैं ये गाड़ियाँ, तो ऐसा क्यों होता है, इनकी हाइट कम क्यों रखी जाती है और इनकी विड्थ आप देखेंगे तो रिलेटिवली ज़्यादा रखी जाती है, तो ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का साइंस क्या होता है, इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा। तो बने रहिए, वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या रीजन है जो फॉर्मूला वन कार जो हमारी है या जो लग्जरी कारें होती हैं उनकी हाइट कम रखी जाती है, ऐसा क्यों होता है। तो मैं आपको फुल साइंटिफिक, फुल डेरिवेशन के थ्रू बताऊंगा। ध्यान से देखिएगा कि मान लीजिए कि ये हमारी एक कार है, ठीक है, ये हमारी कार है, ये एक रोड है, ठीक है, इस रोड पे टर्निंग है, ठीक है। क्योंकि जो फॉर्मूला वन कार होती है, जो रेसिंग होती है, उसमें मेन क्या होता है कि अगर स्ट्रेट रोड है तो उस पर क्या है, फुल स्पीड में कारें चलती है। जैसे जहाँ पे टर्निंग आती है वहीं पे डिसाइड हो जाता है, वहीं पे आप देखेंगे कि जो है कारें आगे पीछे होती हैं, तो वहाँ पे जिसकी स्पीड मैक्सिमम है वही कार वहाँ पे क्या है, रेस जीतती है। तो मेन यहाँ पे डिसाइड होता है टर्निंग पे। तो मैं वही एग्जांपल लेके आपको बता रहा हूँ कि ये एक रोड की टर्निंग है और ये मान लीजिए कि कोई एक कार है, ठीक है, कोई व्हीकल है। मान लीजिए कि इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, कोई भी बॉडी है, अगर वो बॉडी है तो उसका सेंटर ऑफ मास होगा और वहीं से सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं। तो मान लीजिए कि इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है और उसकी हाइट है h, और यहाँ पे हम जो हाइट की बात कर रहे हैं कार या किसी भी चीज़ की, वो सेंटर ऑफ मास से डिसाइड कर रहे हैं। जितना ज़्यादा हाइट होगा सेंटर ऑफ मास उतना ही ऊपर जाएगा, ठीक है। इसीलिए फॉर्मूला वन कार में क्या है कि नीचे रखते हैं, हाइट क्यों कम होता है उसका रीजन आगे बताएंगे। तो मान लीजिए सेंटर ऑफ मास है h हाइट पे, ठीक है, और इसकी विड्थ कितनी है, b है, स्मॉल b इसकी विड्थ है। अब बात करते हैं, देखिए इसमें आप अगर फिजिक्स थोड़ा सा भी पढ़े होंगे तो इसमें आपको पता होगा कि इस ये जो व्हील है इस पे हमारा क्या है, नॉर्मल फोर्स n1 लगेगा, दूसरे वाले व्हील पे हम मान लेते हैं कि नॉर्मल फोर्स n2 लगेगा, ठीक है। तो ये दो नॉर्मल फोर्स हो गए। मान लीजिए कि इस रोड पे जिस पे ये गाड़ी चल रही है उस पे फ्रिक्शन म्यू है, तो इस पे इस वाले व्हील पे क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा। मान लीजिए कि ये f1 है, स्मॉल f1, तो ये हो जाएगा म्यू n1, नॉर्मल फोर्स इंटू कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। और इस पे मान लीजिए कि स्मॉल f2 है, म्यू n2 फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स। चूंकि ये वेलोसिटी v से मूव कर रही है, वेलोसिटी v से मूव कर रही है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। कितना होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, mv2/r बाहर की साइड। इतना चीज आप समझ गए हैं। अब इक्वेशन पे बात करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे दो तरह का इक्विलिब्रियम होगा, फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम एंड फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम, ठीक है। अगर गाड़ी जमीन पे है, चल रही है, तो इक्विलिब्रियम में जरूर होगा। अगर वो पलट जाती है तो वहां पे मतलब ये हो गया कि इक्विलिब्रियम नहीं है। तो हमें बस यही देखना है कि वो गाड़ी पलटने ना पाए, वो मैक्सिमम कंडीशन क्या होगी जिसमें गाड़ी पलटे ना, वो मैक्सिमम स्पीड क्या होगी और वो किन किन फैक्टरों पर डिपेंड करेगा। तो चलिए देखते हैं। तो फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम हम बात करेंगे तो सीधे सीधे जो फोर्सेज हैं, ऊपर की तरफ N1 N2 है, ऊपर की तरफ N1 N2 और नीचे सिर्फ एक है mg, तो दोनों बैलेंस होंगे। N1 प्लस N2 इज इक्वल टू mg होगा, ये समझ गए होंगे आप। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया हमारा। दूसरा बात करते हैं कि लेफ्ट साइड कौन कौन से फोर्स हैं, F1 F2 मतलब μN1 μN2, और राइट की साइड कौन कौन से फोर्स हैं, सिर्फ एक है mv2/r जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये हमारा हो गया μN1 + N2 इज इक्वल टू mv2। ये हमारा ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम हो गया, मतलब ऊपर के फोर्स नीचे के फोर्स इक्वल होंगे, लेफ्ट साइड के फोर्स राइट साइड के फोर्स से इक्वल होंगे। तो यहाँ पे हमने म्यू कॉमन ले लिया, तो ये इक्वेशन हमारी बन गई इक्वेशन नंबर सेकंड। अब बात करते हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम में, तो उसमें होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन, मतलब टॉर्क होता है। तो टॉर्क हमारा क्या लगेगा, देखिए जो हमारे ऊपर के फोर्स हैं N1 N2 उसके वजह से क्या क्या टॉर्क लगेंगे वो मैं दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ सेंटर ऑफ मास से इसकी विड्थ कितनी हो जाएगी, मान लीजिए ये b/2 हो जाएगा और ये भी b/2, ठीक है, b/2 कि विड्थ b है तो उसका हाफ ऑफ कर देंगे, b/2। तो एक इसकी वजह से लगेगा और दूसरा हमारा किसकी, देखिए सेंटर ऑफ मास से जो फोर्स जा रहा है उनकी वजह से टॉर्क नहीं लगेगा, क्योंकि वो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास से देख रहे हैं तो डिस्टेंस जीरो है तो वो जीरो हो जाएगा। दूसरा है μN1 और μN2, तो देखिए μN1 और μN2 के बीच के सेंटर ऑफ मास से कितनी डिस्टेंस है, h है,
और एन वन और एन टू का बी बाई टू। तो यही दो टॉर्क यहाँ पे आ जाएंगे। देखिए म्यू एन वन इंटू एच प्लस म्यू एन टू, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में टॉर्क लगा रहे हैं, इस डायरेक्शन में टॉर्क लगा रहे हैं, म्यू एन वन भी इसको इधर टॉर्क देगा, म्यू एन टू भी इधर ही टॉर्क देगा, तो दोनों प्लस कर दिया हमने। अब बात करते हैं एन वन किस डायरेक्शन में घुमा रहा है, एन वन इस डायरेक्शन में इधर टॉर्क देगा इसको सेंटर ऑफ मास से, तो यहाँ पे एन वन इंटू बी बाई टू सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस। लेकिन एन टू की डायरेक्शन अपोजिट है, देखिए एन टू इस डायरेक्शन में टॉर्क देगा, इसीलिए यहाँ पे क्या लगेगा माइनस एन टू, डिस्टेंस कितनी है सेंटर ऑफ मास से बी बाई टू। तो ये हो गया हमारा, देखिए इक्वेशन बन गया, यहाँ पे म्यू म्यू और एच कॉमन ले लिया तो एन वन प्लस एन टू बचा, इधर बी बाई टू कॉमन ले लिया, इसको पूरा इस साइड भेज दिया जीरो किट साइड, ये हो जाएगा एन टू बी बाई टू माइनस एन वन बी बाई टू, बी बाई टू कॉमन लेंगे तो एन टू माइनस एन वन। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, सेकंड इक्वेशन हमने इस वैल्यू को यहाँ पे रख दिया है तो एम वी स्क्वायर बाई आर इसकी जगह पे इंटू, अब बी बाई टू इधर भेज दिया तो टू एच अपॉन बी यहाँ पे हो गया, इधर बच गया एन टू माइनस एन वन। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर थर्ड। अब हमें इन दोनों इक्वेशन से ये इक्वेशन बनानी है, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, तो हमारा एन टू आ जाएगा कैलकुलेट करने पे, कैसे आएगा इसको इक्वेशन सेकेंड एंड सॉरी यहाँ पे क्या करना है, इक्वेशन जो हमारे पास थर्ड है उसको करना है फर्स्ट से, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, इसको फर्स्ट से, फर्स्ट एंड थर्ड को पहले क्या करना है ऐड कर लेना है, ऐड करेंगे तो एन वन, एन वन कैंसिल, टू एन टू हो जाएगा एम जी प्लस दिस, टू से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि टू एन टू है, तो ये इक्वेशन मिल जाएगी। इसी तरीके से जब माइनस करेंगे दोनों इक्वेशन को तो ये इक्वेशन मिल जाएगी। यहाँ पे एक चीज़ हमें और पता चलती है कि जैसे टर्निंग आ रही है तो किस व्हील पे ज़्यादा फोर्स लग रहा है, व्हील नंबर वन पे ज़्यादा फोर्स लग रहा है या व्हील नंबर टू पे, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेशन देख के आप बोल सकते हैं फोर्स ज़्यादा मतलब नॉर्मल फोर्स, एन टू देखिए कितना है एम जी बाई टू प्लस और ये है एम जी बाई टू माइनस, इसका मतलब ये वाला फोर्स ज़्यादा है और ये वाला कम है, मीन्स आप कह सकते हैं कि इस व्हील पे ज़्यादा फोर्स लग रहा है, इस व्हील के टूटने के चांसेस ज़्यादा है, इस व्हील पे कम फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो ये भी एक पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। अब हम अपने मेन पर्पस पे आते हैं कि हाइट कम क्यों रखना है, हमें हाइट कम क्यों रखना है, उससे क्या फ़ायदा हमारा है, उस पर बात करते हैं। देखिए जैसे टर्निंग आ रही है, स्पीड हमारा मैक्सिमम हमको रखना है रेस जीतने के लिए, फॉर्मूला वन कार में क्या है कि जो टर्निंग है उस पर हमको स्पीड क्या है मैक्सिमम रखनी है, और साथ ही साथ हमारी गाड़ी उस स्पीड पे पलटे भी नहीं, तो उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं वो चीज़ बात करेंगे। जैसे कि मैक्सिमम स्पीड पे क्या होगा कि एन वन हमारा जीरो होगा, एन वन जो होगा वो जीरो होगा, एन वन जस्ट जीरो होने पर क्या होगा कि गाड़ी जस्ट पलटने वाली होगी लेकिन पलटेगी नहीं, जैसे उससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा गाड़ी हमारी पलट जाएगी। हमें ऐसा बॉडी का स्ट्रक्चर बनाना है कि n1 मतलब कि n1 की वैल्यू इतनी आए कि उस पर स्पीड हमारी बहुत ही ज़्यादा हो जिससे हम रेस जीत जाएं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, देखिए मान लीजिए कि n1 हमने जीरो रख दिया, ठीक है, n1 वन मीन्स ये जो नॉर्मल फोर्स है ये जीरो है, तो गाड़ी जस्ट क्या होगा पलटने वाली होगी, ठीक है। तो उस कंडीशन पर क्या वैल्यू होगी, मीन्स इस वैल्यू को जीरो रख दिया तो हमारा क्या होगा कि n1 अगर हमने जीरो रख दिया तो mg by 2 इज इक्वल टू हमारा आएगा mv स्क्वायर अपॉन r h by b। वेलोसिटी हमें यहाँ पे निकालना है तो वेलोसिटी इज इक्वल टू हमारी आएगी, देखिए m से m तो कैंसिल हो गया, मास पे कोई डिपेंडेंस नहीं है, मास का कोई मतलब नहीं, कार का मास कितना उस पर कुछ डिपेंड ही नहीं कर रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या किया कि देखिए v स्क्वायर हमने इधर रखा है और r इधर आ जाएगा और b इधर आ जाएगा, तो और यहाँ पे हो जाएगा G, ठीक है, R एंड कौन सा आ रहा है फैक्टर B अपॉन 2H, ये आया। तो यहाँ से वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, अंडर रूट जी आर बी अपॉन 2H, ये वेलोसिटी आ रही है यहाँ पे। अब देखिए G कांस्टेंट हम चेंज नहीं कर सकते, यहाँ पे जो इक्वेशन आई है उसमें जी क्या है कांस्टेंट, हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। रेडियस हम क्या, सड़क जो हमारी जिस पे रेसिंग चल रही है उसकी रेडियस भी हम चेंज नहीं कर सकते हैं। आर यहाँ पे क्या है, ये जो टर्निंग है, ये जो सड़क की कर्वेचर है उसका रेडियस है, ठीक है, तो वो भी कांस्टेंट है हमारा। टू भी कांस्टेंट है, बचता है हमारे पास बी
और h. तो जो यहां वेलोसिटी है उसको कौन डिसाइड कर रहा है? b एंड h, मतलब जो आपकी गाड़ी है उसकी विड्थ और हाइट उसको डिसाइड कर रहा है. तो अब मैं आपको बताता हूं कि फॉर्मूला वन कार की हाइट कम क्यों रखते हैं. साइंटिफिक प्रूफ है एकदम, ठीक है. तो v हमारा कितना है, एक बार फिर से देखते हैं. g r b अपॉन 2h. हमें क्या करना है, टर्निंग पे इस स्पीड को मैक्सिमम रखना है, v मैक्स रखना है. मैक्सिमम रखेंगे टर्निंग पे स्पीड तभी हम जीत सकते हैं रेस. इसके लिए हमें क्या करना होगा, h को मिनिमम रखना पड़ेगा, h को मिनिमम और b को मैक्सिमम रखना पड़ेगा. तो समझ में आ रहा होगा आपको, वेलोसिटी मैक्सिमम रखेंगे तो जीतेंगे. उसके लिए हमें करना क्या होगा कि अपनी जो गाड़ी है उसमें जो हाइट है उसको मिनिमम रखेंगे. ये जितना डिनोमिनेटर मिनिमम होगा वैल्यू उतना ज़्यादा आएगी, और ये न्यूमिनेटर जितना ज़्यादा होगा उतना वैल्यू ज़्यादा आएगी. तो विड्थ हमको ज़्यादा रखनी पड़ेगी और हाइट को कम रखना होगा. उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा. इसीलिए जो भी लग्जरी कारें होती हैं देखी होंगी उसकी हाइट एकदम कम होती है, विड्थ थोड़ा ज़्यादा दिखेगी आपको रिलेटिवली. तो आप जब भी कभी कोई कार लेने जाइए, व्हीकल लेने जाइए, तो उसके डिज़ाइन पे ही बिल्कुल मत जाइएगा. साइंटिफिक चीज़ है एकदम कि उसकी हाइट कम से कम होनी चाहिए और विड्थ ज़्यादा होनी चाहिए, वो गाड़ी सबसे अच्छी मानी जाती है, ठीक है. तो डिज़ाइन पे मत जाइएगा, साइंटिफिक चीज़ देखिए और फिर उसके बाद डिसाइड करिए. तो ये था फॉर्मूला वन कार के पीछे का साइंस कि उसका हाइट कम क्यों होता है और विड्थ ज़्यादा क्यों होता है. जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी मैं एक ग्राफ भी बता देता हूँ कि जैसे अगर हम लोग एक ग्राफ अगर बनाते हैं, मान लीजिए कि ये नॉर्मल फोर्स N1 N2 के बीच का ग्राफ है और ये वेलोसिटी के बीच का ग्राफ बनाएंगे तो कुछ इस तरीके का ग्राफ बन के आता है. ये MG/2 से पैराबोलिक ग्राफ बनेगा. N1 N2 की इक्वेशन आप देखा, वेलोसिटी के हिसाब से पैराबोलिक ग्राफ है. तो ये वाला कौन सा है, जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी N1 कम होता जाएगा और N2 बढ़ता जाएगा, N2 बढ़ता जाएगा. एक टाइम ऐसा भी आएगा जब N1 जीरो हो जाएगा, उस केस को क्या बोल रहे हैं, वेलोसिटी मैक्स बोल रहे हैं, या V0 आप कुछ भी लिख सकते हैं. मतलब वो मैक्सिमम वेलोसिटी उससे ज़्यादा करेंगे तो वो गाड़ी आपकी पलट जाएगी. तो ये ग्राफ है N1 N2 का, समझ में आ गया होगा क्या साइंस है वो समझ में आ गया था. उम्मीद आपको वीडियो पसंद आया होगा. वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना ना भूले. अभी के लिए फिलहाल इतना ही. थैंक्स फॉर